गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज बबीता एंड एज यू नो, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं दुबई से मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ। तो मुझे यहाँ मुंबई में आके ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज हो गए, बट मुझे यू नो लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि पूरी तरह से मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। एंड टाइम अगर मिला भी तो कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी कि मैं यू नो वीडियो बना पाऊँ। एंड मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, तो मैंने पहले ट्राईपॉड ऑर्डर किया अमेजोन से। तो फिर मेरा ट्राईपॉड कल ही आया, तो मैंने सोचा आज से मैं अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू मेक माई वीडियोज़ रेगुलर। एंड यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन भी ज़्यादा है, लाइक मैं अभी ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा ट्रेडिशनल पे अपने वीडियोज़ बना सकूँ, क्योंकि अभी ज़्यादातर फेस्टिवल सीजन है यहाँ पर। तो मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगी कि मैं सारीज ड्रेसेस पे मोर वराइटीज एंड मोर आइडियाज लेकर आऊँ और ज़्यादा वीडियोज बना सकूँ आपके लिए। एंड या गाइज, माई चैनल इज ओपन फॉर यू। इफ यू वॉन्टेड टू गिव एनी एडवाइस, एनी सजेशंस, एनी आइडियाज, यू कैन ऑल योर यू विल बी ऑलवेज वेलकम एंड यू कैन शेयर विद मी। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज फॉर यू गाइज एंड आई विल बी ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट वीडियोज एंड बेस्ट एडवाइस टू यू। लाइक मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करूंगी अब। एंड मुझे बताना था कि लाइक आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से क्या हो गया कि मैं दुबई से मुंबई आ गई। एंड सो मुझे वो टाइम पे लाइक ऐसे था कि सारी चीज़ें ऐसे ऐसे यू नो फास्ट इधर से उधर ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी लाइफ में, बट मुझे वो टाइम ऐसे प्रॉपर नहीं लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। एंड नाउ लाइक मुझे ऐसे लगता है कि आई शुड शेयर विद यू गाइज। तो ऐसे था कि यू नो दिस कोविड सिचुएशन, दिस कोरोना वायरस सिचुएशन, इट वॉज हैपनिंग फ्रॉम मार्च। सो ऐसे हो गया कि आई लॉस्ट माई जॉब देयर। आई वॉज इन टू रिटेल सेक्टर, मैं रिटेल में जॉब कर रही थी एज अ कस्टमर सर्विस। तो मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता था, उनको सर्विस देनी पड़ती थी। तो वहाँ पर भी मॉल लाइक वन एंड हाफ मंथ से बंद हो गया था। तो हम लोग भी ऐसे लाइक घर में ही बैठे हुए थे। सो द कंपनी वेयर डिसाइडेड टू लाइक उन्होंने हम लोगों को टेम्पररी बेस पे टर्मिनेट कर दिया था। एंड दे वर लाइक कि थोड़ा सिचुएशन ठीक होने के बाद दे विल टेक अस बैक, बट सिचुएशन वॉज लाइक गेटिंग वर्स एज यू नो। 3-4 महीने से सारी सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही थी। तो कंपनी वाले डिसाइडेड कि वो लोग ने हम लोगों को बोला कि अभी फिलहाल के लिए तुम लोग तो अपने अपने घर चले जाओ, एंड जैसे कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो दे विल टेक अस बैक। सो उन्होंने मुझे लाइक बोला कि फिर ऐसे हो गया कि आना था तो लाइक फ्लाइट्स नहीं चालू थी, तो फ्लाइट्स ओपन नहीं थी, तो फिर मुझे वहाँ ही रहना पड़ा लाइक 2 दिन मैंने। तो और मेरे पास जॉब नहीं थी एज यू नो, तो मैं खाली घर में बैठी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। एंड मेकअप इज़ लाइक माई पैशन, मुझे मेकअप करना बहुत बहुत पसंद है। और मेरे सराउंड में लाइक मेरे फ्रेंड्स सबका, मेरे रूममेट सबको पता है कि आई जस्ट लव फॉर मेकअप। तो फिर उन लोग ने बोला, एंड मैं यूट्यूब वीडियोज ज़्यादा देखती थी, तो दे वेर लाइक कि वाई यू नॉट मेकिंग वीडियोज। तो मैंने सोचा कि शुड आई डू, लाइक मेरे पास प्रॉपर कुछ है नहीं, मैं कैसे करूँगी। तो मेरे रूममेट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प की, काफ़ी बहुत उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत हेल्प की। तो वैसे मैंने फिर अपना वीडियो स्टार्ट किया बनाना। सो एज यू नो फिर धीरे धीरे आई वॉज लर्निंग एंड आई वॉज गेटिंग इन्वॉल्व इन टू दैट। तो ऐसे करके मेरा 2-3 महीना तो वहाँ निकल गया। देन मुझे फिर बाद में फ्लाइट्स, जैसे ही रीओपन हुई फ्लाइट्स, तो मुझे फ्लाइट की टिकट कंपनी ने लाइक प्राइवेट, उन लोगों ने प्राइवेट फ्लाइट्स बुक करके हम लोगों को यहाँ पर भेजा। तो फिर लाइक ऐसे हो गया कि दुबई से यहाँ तक आना, इस तक तो बहुत सिचुएशन नॉर्मल थी, कुछ ऐसे लगा नहीं। बट व्हेन द डे आई अराइव्ड मुंबई एयरपोर्ट पे, इट वॉज लाइक कि हॉरिबल। बहुत वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बहुत प्रॉब्लम नहीं था, बट यू नो बार बार इधर से उधर ऐसे ऐसे सीन हो रहे थे। देन उसके बाद हम लोगों को क्वारंटाइन पे रखा था 7 डेज। तो 7 डेज आई वॉज इन टू होटल नियर बाय माई होम, एंड होटल के प्राइजेस भी इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव, इतने महंगे थे कि लाइक समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो 7 डेज होटल का लेना पड़ा। एंड मेरे साथ एक लड़की और ट्रैवल की थी दुबई से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग साथ में ले लेते। तो हम लोग दोनों ने शेयर करके एक होटल ले लिया एंड वी वर स्टेइंग देयर फॉर 7 डेज। फिर हमारा कोविड का टेस्ट हुआ, देन टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन 7 डेज के बाद मैं अपने घर आई, देन आई हैव टू ऑर्गेनाइज माई एवरीथिंग। मैंने जो भी वहाँ से सामान लाई थी वो सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज सेटअप करना पड़ा। देन ट्राईपोर्ट नहीं था तो ट्राईपोर्ट ऑर्डर करना पड़ा। तो यू नो ऐसे टाइम निकल गया। तो लाइक ऑलमोस्ट 20-25 डेज हो गए। देन आई वॉज वेटिंग कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो मैं अपने वीडियो स्टार्ट करूँ बनाना, क्योंकि वीडियो तो बनाना ही था मुझे।
तो आई वॉज वेटिंग, देन फाइनली मेरा कल ट्राइपॉड आ गया अमेजोन से, तो मैंने सोचा कि आज तो मुझे कैसे भी करके वीडियो बनाना है. एंड मेरे को फर्स्ट ऐसे था कि यू नो कि आप लोग भी ऐसे यू नो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि वॉट वॉज हैपेंड. सो इट वॉज लाइक इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू गाइज बिकॉज यू आर माई सब्सक्राइबर्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल यू वॉट वॉज हैपनिंग विद मी. सो मैंने सोचा कि चलो एक प्रॉपर एक दिन शूट करती हूँ एंड जो भी है चीज़ें बताती हूँ लाइक कि क्या है. एंड या गाइस आई हैव सीन लाइक मेरे व्यूज़ तो बहुत है व्यूज़ मेरे वीडियोस में, बट मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब नहीं किया गया है. तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी इन ग्रो. एंड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ एंड आई विल बी रेगुलर एंड मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊंगी. एंड इफ देयर इज एनी थिंग आई विल टेल यू गाइज फॉर श्योर. एंड तो दिस इज माई लाइक इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग यू लाइक वॉट वॉज हैपेंड क्या क्या चल रहा था लाइफ इज लाइक. एंड वन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू इन दिस सिचुएशन लाइक वॉट वॉज हैपेंड फ्रॉम 3-4 months से जो भी चल रहा था. आई रियली वॉन्टेड टू थैंक्स टू माई फैमिली माई फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स एंड द गाय आई एम डेटिंग इज वेरी सपोर्टिव. सो मेरे साथ ऐसे लोग हैं अभी फिलहाल जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को. तो इवन इवन दो मुंबई आने के बाद भी काफ़ी लोग कनेक्टेड रहे, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया व्हेन आई वाज इन दुबई. इवन माय डैड इज़ लाइक कि इट्स ओके जो तुझे बेटर लगता है वॉट एवर यू फील इट्स गुड फॉर यू डू टेक योर ओन डिसीजन. सो मुझे एक बात बोलनी थी लाइक वॉट एवर लाइक हु एवर इज़ वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक इफ यू आर अ पेरेंट्स सो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को यू नो यू आर नॉट कंट्रोलिंग दैम एंड यू आर नॉट फोर्सिंग फॉर एनी थिंग लाइक गिव दैम फ्रीडम एंड उनका खुद का डिसीजन लेट दैम टेक देयर ओन डिसीजन. लाइक आई वॉज ग्रोन अप लाइक दिस लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज के लिए लाइक कभी रोका टोका नहीं, दे हैव नेवर कंट्रोल्ड मी. एंड द सेम थिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई गाय द गाय आई एम डेटिंग. मैं उसको भी हमेशा यही बोलती हूँ कि यू नो आई लाइक मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती इवन आई एम नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियंस में इवन बहुत ज़्यादा रोक टोक होता है, बट मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है. बाय गॉड ग्रेस माय फैमिली माय लाइक माय पेरेंट्स आर वेरी वेरी फ्रीडम फ्रीक लाइक दे गिव मी ऑल द फ्रीडम. तभी आज ये है कि सिचुएशन है कि मैं इतनी चिल्ड आउट हूँ और मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ. सो इवन द गाय आई एम डेटिंग ही इज़ ऑल्सो लाइक वेरी फ्रीडम, उसको भी कोई ऐसे टेंशन नहीं है, ही इज़ लाइक फ्री लाइक जो करना है करो वैसे वाला है. एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बैड राइट, मेकिंग अ वीडियो एंड डूइंग समथिंग वॉट यू लाइक यू आर पैशनेट फॉर. आई थिंक इट्स अ करियर लाइक इट्स अ करियर चॉइस. सो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स पेरेंट्स एंड योर पार्टनर शुड बी सपोर्टिव एंड गिव यू दैट मच फ्रीडम वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू. तो मुझे लगता है ऐसे लोग आपके आसपास में होने बहुत ज़रूरी हैं एंड मेरे पास है, लकीली मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी चीज़ों के लिए. तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई फ्रैंकली बोलूँ तो, इतना सब होने के बाद भी आई वॉज लाइक चिल्ड आउट. थोड़ी बहुत टेंशन होती भी थी तो लाइक मैं अपने आप को मैनेज कर लेती थी एंड मुझे इतना टेंशन नहीं हुई चीज़ों की. एंड फाइनली अभी मैं थोड़ी सेटल हो गई हूँ तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ अपना यूट्यूब चैनल. एंड या गाइस so from my next video I will make another makeup video and you can suggest if you wanted to know anything. And yeah guys, I'll see you in my next video. Till then.